साउथ अफ्रीका की इस वर्ल्ड कप में जीत से पूरा सेनेरियो बदल चुका है और पॉइंट्स टेबल में बड़ा हेर फेर आपको देखने को मिलने वाला है। तो भी साउथ अफ्रीका की इस जीत से बांग्लादेश का सफ़र यहीं ख़त्म हो चुका है और वो अब लगभग बाहर हो चुके हैं वर्ल्ड कप से, और 99% तक वो इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग है। वो इतने सालों से खेल रहे हैं बट आज तक सेमीफाइनल नहीं खेल पाए। तो भाई साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में क्या हमने डिफरेंट देखा, क्या साउथ अफ्रीका का डोमिनेशन देखा? 2019 में बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को हराया था और साउथ अफ्रीका ने किस तरीके से वो रिवेंज लिया, और साउथ अफ्रीका की टीम क्यों फेवरेट मानी जा रही है, साउथ अफ्रीकन टीम ने क्या बड़े रिकॉर्ड बनाए, जानेंगे हम इस वीडियो में। और शुरू से जानेंगे इस मुकाबले को कि भाई साउथ अफ्रीका ने कैसे सेनेरियो बदला इस मुकाबले का और पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव देखने को मिले। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। तो भाई मैच शुरू होता है, बल्लेबाजी आती है साउथ अफ्रीका की, शुरू के कुछ ओवर बांग्लादेश की जो गेंदबाजी है ना, कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और रिजा हेंड्रिक्स और जो उनके बाद आते हैं वांडर दुसेन, भाई वो नहीं चल पाते, तो काफी ज्यादा सदमे में होती है। बट साउथ अफ्रीका की टीम किस लिए जानी जाती है, उनका रिसेंट मुकाबलों में आप देखेंगे ना, नीदरलैंड को छोड़ के जितने मैचेस उन्होंने खेले सारे मैचेस में 300+ रन बनाए। तो अभी मैं आपको सारे मैचों का स्टैट्स बता देता हूं। तो भाई उन्होंने एक मैच खेला जो श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली में खेला था, 428 रन वाट हो गए थे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, 311 बनाए थे। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, 399, और आज बांग्लादेश के खिलाफ 382। तो भाई साउथ अफ्रीकन टीम बेस्ट डिफेंडिंग टीम बनती जा रही है, यानी कि वो स्कोर को डिफेंड अच्छे से बनाती है। फर्स्ट इनिंग में जो बेस्ट टीम नजर आ रही है वो साउथ अफ्रीका है, और बेस्ट टीम जो चेस करने में नजर आ रही है वो इंडिया है। तो इन दोनों के बीच में जब मुकाबला होगा ना, तो वो देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि काफी कुछ इंटरेस्टिंग वहां आपको देखने को मिलेगा और काफी क्लोज मैच आपको देखने को मिल सकता है। बट इस मुकाबले में अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीकन टीम को बहुत ही कमाल की शुरुआत दी हमारे क्विंटन डिकॉक ने, और तीसरा शतक वर्ल्ड कप में, 15 वर्ल्ड कप भी खेले थे, 19 वर्ल्ड कप भी खेले थे वो, बट उन दोनों वर्ल्ड कप में एक शतक उनका देखने को नहीं मिला, और इस वर्ल्ड कप में 3 शतक मारना बहुत बड़ी बात है, और उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है और खेल भी वो चैंपियन की तरह ही रहे हैं। बांग्लादेश की स्टार्ट अच्छी हुई, शाकिब अल हसन भी खेले, बट उनके गेंदबाजों ने बहुत निराश किया, उनकी प्लानिंग एग्जीक्यूट होती हुई नजर नहीं आई, और साउथ अफ्रीका बहुत कंफर्टेबल नजर आया। 35 ओवर तक साउथ अफ्रीका ने 6 का जो रन रेट है वो मायने रखा, बट उसके बाद उनका जो स्पीड देखने को मिली, भाई एंड्रिक क्लासेन भाई सही में क्लास है, और क्या गजब का खिलाड़ी है, और उससे तेज मैंने शायद ही देखा हो। जो रोल डिविलियर्स निभाते थे ना, उससे भी खतरनाक रोल यहाँ पे निभा रहे हैं क्लासेन भाई। एक क्लासेन एक चट्टान बन गई है, जहाँ भी साउथ अफ्रीका के जल्दी विकेट गिरेंगे वहाँ क्लासेन आके सारा गेम पलट देंगे। भाई उन्होंने पलटा और गेम को भाई आखिरी 10 ओवर में 140 करीब रन आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, और बांग्लादेश यहीं से ही उनका मोमेंटम टूट गया। क्लासेन के ताबड़तोड़ 49 गेंद पर 90 रन ने पूरा गेम पलट दिया था, बट उससे पहले क्विंटन डिकॉक जिन्होंने 140 गेंदों पर 174 रन बनाए, और वो अब इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर हो चुके हैं, 400 क्रॉस भी कर लिया है उन्होंने, और काफ़ी 50-60 रनों का अंतर, जो कि ईजी नहीं रहता किसी भी बैट्समैन के लिए, और काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। अब बात करें साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी कैसी रही, तो कमाल की उनकी गेंदबाजी रही, जिस पे हाथ रख रहे भाई वही सोना होता जा रहा है। आज लिजार्ड विलियम्स खिलाए वो भी विकेट लेकर गए, और जो मार्को येंसन है पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है इनके लिए। और इनके जो जेराल्ड कोइत्ज़ी है भाई कमाल के बॉलर मुझे लग रहे हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, उनके सेलिब्रेशन को देख के भाई डेल स्टेन की याद आ जाती है। बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी आज फिर फ्लॉप हुई, नजमुल हुसैन शान तो कुछ भी नहीं कर पा रहे इस वर्ल्ड कप में, शाकिब अल हसन भी बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। आज जो इनकी टीम की तरफ से चलते हुए दिखे वो महमूदुल्लाह ही दिखे। बाकी साउथ अफ्रीकन टीम ये मैच जीत कर आ चुकी है भाई दूसरे नंबर पे, और बांग्लादेश ये मैच हार के आ चुकी है 10वें नंबर पे, यानी कि इंग्लैंड से भी नीचे, और आने वाले मुकाबले उनके लिए इतने आसान नहीं रहने वाले, उनका क्वालिफिकेशन का जो सिनेरियो है बहुत मुश्किल रहने वाला है। तो भाई आप बताइए आपको आज का मुकाबला कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, साउथ अफ्रीका ने एंटरटेनिंग क्रिकेट खेली, बट बांग्लादेश क्रिकेट ने बहुत निराश किया, ना उनकी तरफ से कोई स्पिरिट देखने को मिली, सिर्फ महमूदुल्लाह के साथ टेलेंडर जो बैट्समैन है उन्होंने मदद की उनकी, नहीं तो बांग्लादेश की टीम यहाँ 100-125 तक निपटने वाली थी। तो चैनल पर अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।